ये मैंने सवाल ये करना है जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी जो है वो पूरी सुन्नत के मुताबिक पूरी रखते थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी दाढ़ी है, तो यहाँ जैसे इमाम साहब हैं और कई हजरात हैं, उनकी इतनी दाढ़ी, इस पर आप अपना तो जवाब दे दें जी। बाकी है ही नहीं जी, मेरी तो नहीं है। फिर पहले एतराज़ करें, दूसरों पर करें नहीं, मेरी तो है ही नहीं, पूरी नहीं जी जी, नहीं है, मरवानी है तो है तो शेयर करता हूँ। हाँ तो फिर दूसरों पर क्यों एतराज कर रहे हैं? मैं सर पूछते हैं एक्जीबिशन ही लाइक सेल्फ जी, गंजा हो जी और नुस्खा बेचे बाल उगाने का, ऐसा नहीं है। देखें जी, पॉइंट ये है कि ऐसा एतराज करना जी जी जिसपे इंसान खुद अमल ना कर रहा हो जी जी, ये उससे बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह है जी, जितना गुनाह आपने बात दूसरों को बताया जी। नहीं, मैं गुनाह के तौर पर नहीं आता, मैं आप कह रहा हूँ गुनाह के तौर पर जी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि लिमा तकूलूना मारा था फलून कबूरा मख्तन इंदल्लाह जी, हम तकूलू मारा था फलून जी, कि तुम क्यों ऐसी बातें कहते हो जिस पर कोई अमल नहीं करते जी, और ये मामूली बात नहीं है। कुरान करीम फरमाता है कबूरा मख्तन, गुनाहे कबीरा है अल्लाह के नजदीक ऐसी बात करना जिस पर खुद इंसान अमल न कर रहा हो। इसलिए आपको चाहिए था किसी दाढ़ी वाले से एतराज करवा देते। अब मजीद मैं आपको बताऊं कि दाढ़ी का मसला बार बार ये पेश होता है अमूमन गैर एहलियों की तरफ से। एक मिनट है, आपको अभी दखल न देंगे इसमें। अमूमन रैन मुझे नहीं पता है, वैसे असूली तौर पर मुझे पता है वो उनको, और जब कोई बहाना नहीं मिलता तो ये एतराज कर देते हैं गोया जमात अहमदिया सुन्नत पर नहीं है, और इस वजह से नहीं मानते तो फिर बाकी सारी जमातों में जो गुनाह कबीरा हो रहे हैं, रिश्वतें चल रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, नमाजें छूट रही हैं, दीन पर एतराजात और कई किस्म की गंदगियां आ गई हैं, तो उनको कभी को नहीं छोड़ते। इंसाफ का तकाजा तो यह है कि जहां ज्यादा गुनाह है वहां से छटकर निस्बतन कम गुनाह को कंपैरेटिवली कबूल करें, क्योंकि दो इवल्स में से कम इवल को अख्तियार किया जाता है। और शरीयत मौलवी इनको ये बताते ही नहीं कि दाढ़ी की शरीयत में क्या है, झूठ इस कसरत से बोला जा रहा है, कुरान शरीफ उठा के अदालतों में झूठ बोला जा रहा है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त झूठ का पाकिस्तान की अदालतों में है। पूछ ले मिशा साहब, जहां उनके जजों से पूछ लीजिए, और सारे लड़के बोलो बस, और वो नजर नहीं आता और छोटी दाढ़ी नजर आ जाती। हालांकि गुनाह को खुदा शिर्क कहता है और गुनाह अजीम शुमार करता है, इतना जोर है जूर के खिलाफ, कौल जूर बार बार कुरान फरमाता है कि झूठ की लानत में मुबतला ना हो। वो हलाल है माँ के दूध की तरह, और थोड़ी दाढ़ी रखने पर एतराज है। ये इसलिए गलत रुख पे डाल गए हैं मौलवी आपको, ये बताने के लिए जो ये सुन्नत पर अमल नहीं करते। हालांकि ये आपको नहीं बताते कि कुरान करीम और हदीस की रूह से जो फराइज मुकर्रर हुए हैं, तमाम गुज़श्ता चोटी के उलमा ने उनकी तकसीम की हुई है, और फराइज हैं वो जिनका कुरान में वाज तौर पर जिक्र है खुले लफ्जों में और साफ सजा बताई है अगर नहीं करोगे खुदा की नाराजगी, और लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कुतबा का लफ्ज मसलन या फरादा का लफ्ज, उसके बाद है वाजिबात जो नंबर दो पर आते हैं, वो भी कुरान में मजकूर हैं और उनकी सजा मुकर्रर है अगर ना करोगे तो, या करोगे तो तब सजा मिलेगी। फिर आती है सुन्नत मौकदा, आमदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे इरशादात जिनके ना करने पर फिर सजा है, कोई खुदा की नाराजगी का जिक्र है या कोई और सजा का जिक्र है। फिर आती हैं वो बातें जो मुस्तहबात कहलाती हैं, करो तो बेहतर है, ना करो तो सजा नहीं। दाढ़ी की वो हैसियत है क्योंकि आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक फरमाई है एक जगह, और किसी जगह कुरान या हदीस में ये नहीं लिखा कि जो दाढ़ी नहीं रखेगा उसको ये सजा मिलेगी। इसलिए दाढ़ी की हैसियत तो सानवी तीसरी चौथी दर्जे की हैसियत है, और जो अहमदी नौजवान थोड़ी दाढ़ी रखता है
आपको ये अंदाजा नहीं रहा कि क्यों थोड़ी दाढ़ी रखता है। मौलवियों ने बड़ी दाढ़ी रख के दाढ़ी को इतना भयानक बना दिया कि उनकी हरकतों की वजह से दाढ़ी काबिले नफरत चीज बन गई, वरना आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में तो नहायत ही हुस्न था, आपकी सीरत की वजह से, आपके तकवा की वजह से। वो दाढ़ी कशिश का मूजिब थी और उस दाढ़ी के ऊपर मोहब्बत की वजह से नजर नहीं ठहरती थी, इसलिए सहाबा दाढ़ी रखने लग गए। बाद के लोग आए, उन्होंने दाढ़ी के गलत इस्तेमाल किए, दाढ़ियां रखी और दुश्मनियां फैलाई, गालियां रखी और फिरकों में नफरतें फैलाई, गालियां दी, इस्लाम के नाम पर कत्लो गारत की तालीम दी। मौलवियत का तस्वुर इतना भयानक हो गया और दाढ़ी इस तरह उसके साथ बन गई कि नई नस्लों ने एहतजाजन दाढ़ी रखनी छोड़ दी, मौलवी का लफ्ज गाली बन गया। इसलिए वो आपको गलत कहते हैं कि सुन्नत पर भी अमल करना चाहते हैं, इसलिए घबरा गए हैं इन दाढ़ियों से कि गलत लोगों ने दाढ़ियां रख रख के इनको बदनाम कर दिया। और मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल चाहता भी है तो मौलवियों के डिजाइन से हटकर एक नया डिजाइन बना दिया, असल बात यह है। और जब ये रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये दाढ़ी फैल जाती है, फिर आखिर फिर परवाह नहीं रहती मौलवी जी भी कहते अच्छा चलो रसूलुल्लाह सल्लम ने रखी थी हम वो रखेंगे, चलो मौलवी भी कह लें तो कोई बात नहीं। तो जो शुरू करते हैं थोड़ी इनका बसा होता अक्सर सूरतों में अंजाम भी होता है कि फैलते फैलते दाढ़ी सारे मुंह पे आ जाती है। तो ये रूह देखनी चाहिए, काबिले एतराज बात नहीं है। असल बात यह है कि एक बार भी रखे कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की मोहब्बत के नतीजे में तो आपको उस पर एतराज नहीं करना चाहिए, आपको कदर करनी चाहिए कि चलो इतना तो इजहार किया इसने, ये रूह है जो पसंदीदा है अल्लाह को। ये कि या पूरी रखू हम इतनी नहीं बना रखने देंगे ये तो मौलवियत है,